आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मुकाबले से पहले टीम इंडिया अपना दूसरा प्रैक्टिस मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है। आज के इस वार्म अप मैच की सबसे खास बात ये थी कि विराट नहीं बल्कि रोहित शर्मा आज की टीम की कप्तानी कर रहे थे और टॉस हारकर पहले गेंदबाजी कर रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 152 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 57 रन बनाए तो मार्क स्टोनिस ने भी ताबड़तोड़ 41 रनों की पारी खेली। एक समय ऑस्ट्रेलिया 11 रन पर ही अपने 3 विकेट गवा दिया था, हालांकि फिर मैक्सवेल ने स्मिथ के साथ मिलकर कंगारू पारी को संभाला जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया 152 रन बना पाई। वहीं ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान विराट कोहली ने भी कुछ ऐसा किया जिसने फैंस के होश उड़ाकर रख दिए। दरअसल इस मैच में विराट कोहली को बॉलिंग करते हुए देखा गया जो कि इशारा कर रहा है कि आने वाले बड़े मुकाबलों में वो अपनी बाजू को घुमा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट ने 2 ओवर तक गेंदबाजी की और सिर्फ 12 रन दिए। बेशक विराट कोहली विकेट नहीं ले पाए लेकिन जिस लय में उन्होंने गेंदबाजी की उसने टीम इंडिया के फैंस को सुकून देने का काम किया। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई पारी के 7वें ओवर में विराट को गेंद थमाई और कोहली को बॉलिंग करता देख एक बार के लिए तो स्टीव स्मिथ के भी होश उड़े हुए दिखे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस विराट की बॉलिंग को काफी पसंद भी कर रहे हैं। वैसे आप कमेंट करके बताएं क्या कोहली भारत के 6वें गेंदबाज के लिए फिट हैं या नहीं।